Good morning class, my name is Antara Rathudi. I am teaching teen social studies in Power of Devras Saraswati Vidya Mandir, Noida. बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा ज्योग्राफी का क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ा जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि एक्चुअल में इंडियन क्लाइमेट है कैसा। क्यों मैंने इंडियन क्लाइमेट के बारे में प्रीवियस क्लास में बात नहीं करी, ठीक है। देखिए इंडियन क्लाइमेट, भारतीय जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। अब बात आती है कि ये मानसून होता क्या है। देखिए बेटा मानसून जो है वो अरेबिक वर्ड है, विच मीन्स कि ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका मूल नाम था मौसम और इसका जो अर्थ निकाला गया वो है मौसम, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि मौसम का अर्थ है मौसम, ठीक है। देखिए जनरली जब भी मॉनसून की बात आती है तो हमारे दिमाग में क्या थॉट आता है कि ये तो बारिश से रिलेटेड है ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। देखिए बारिश से रिलेटेड तो है लेकिन इसके साथ और भी कंडीशंस इसमें लगती हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। देखिए कैसा होता है, हम ये देखिए ये क्या है, फोर साइड्स हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये हमारी फोर साइड्स हैं, ठीक है। सपोज कहिए इंडिया का मैप है, इसके चारों साइड्स हैं। अब देखिए जो मॉनसून है उसके स्टार्ट कहाँ से होती है, अरेबियन सी से आती है। हम सबको पता है अरेबियन सी से मॉनसून आता है और बारिश किस पे डिपेंड होती है, विंड पे डिपेंड होती है, ठीक है। तो जब बेटा हवाएं जो है मॉनसून यानी कि जब इंडिया में एंटर करता है ना तो नीचे वाले पार्ट से करता है, मीन्स केरला से एंटर करता है, ठीक है। जब ये केरला से एंटर करता है तो यहाँ पर विंड चलती है, वेस्ट साउथ विंड चलती है, ठीक है, पश्चिम दक्षिणी हवाएं कहते हैं इन्हें। ये क्या करता है, ये विंड क्या करती है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है। ऊपर की तरफ बढ़ के ये क्या करती है, जो हिमालय वाला पार्ट है वहां से टिल्ट होके मुड़ के दोबारा नीचे की तरफ आती है और तमिलनाडु, बे ऑफ बंगाल और तमिलनाडु होते हुए वापस चली जाती है। तो ये पूरा प्रोसीजर भी क्या है, मॉनसून है। मॉनसून सिर्फ बारिश नहीं है, हवाओं के साथ जो उसका रुख है प्लस वो जिस जिस जगह पे जा रहा है वहां पर क्या क्लाइमेटिकल चेंज हो रहा है एंड वो वापस आ रहा है, ये सब भी क्या है, मॉनसून पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अभी हमने पढ़ा कि जो इंडिया की इंडियन क्लाइमेट है वो मॉनसूनी है, लेकिन सिर्फ इंडियन क्लाइमेट मॉनसूनी नहीं है बेटा। देखिए एशिया का जो दक्षिण और पूर्वी भाग है वो भी इसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है ना। देखिए ये एशिया है, ठीक है, एशिया के नीचे वाले पार्ट में, इंडिया के बिल्कुल नीचे हमें क्या दिख रहा है, श्रीलंका। श्रीलंका में भी सेम क्लाइमेट है, इसके इधर है बांग्लादेश यानी कि ये जो ईस्ट वाला एरिया है बांग्लादेश में भी सेम क्लाइमेट है, एंड ये म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं इन सब में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अच्छा इसके अलावा एक और चीज बहुत समझनी बहुत जरूरी है बेटा मॉनसून के बारे में कि ये क्या होता है। सामान्य रूप से एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु में पारदेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। सेंटेंस थोड़ा क्रिटिकल है लेकिन इसका बहुत इजी मतलब है। देखिए क्या होता है कि हमने पढ़ा कि मॉनसून क्या है, एंटर करता है नीचे से, ठीक है। जब वो नीचे यानी कि केरल वाले पार्ट से जब वो एंटर करता है तो आता तो एक साथ है ना पूरे इंडिया में, लेकिन क्या होता है बेटा स्टेट टू स्टेट चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, नीचे की तरफ हमने पढ़ा जो कोस्टल एरियाज थे वहां पर क्लाइमेट कैसा होता है, उस टाइम पे समर चल रहे होते हैं, ठीक है। जब वो मिड इंडिया में पहुंचता है तो उस टाइम पे क्या होता है, मिड इंडिया में रेनी सीजन चल रहा होता है, और जब वो ऊपर अपर हिमालय वाले पार्ट में पहुंचता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर भी सेम सीजन होता है, लेकिन जब वो बैक जाता है यानी कि जब वो वापस जाता है तमिलनाडु होते हुए तो उस टाइम पर क्या चल रहा होता है, विंटर सीजन चल रहा होता है। तो क्या है, ये स्टेट पे भी डिपेंड करता है। स्टेट पे क्यों डिपेंड कर रहा है, बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल फीचर, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये जो है मॉनसून वो टेम्परेचर एंड बारिश पे भी क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का टेम्परेचर होता है मॉनसून की वजह से, और बारिश भी अलग अलग तरह की होती है। दूसरी चीज कि ये क्या करता है, वेदर को भी इफेक्ट करता है। सेम कंडीशन है बेटा कि ये क्या करता है, वेदर को कैसे इफेक्ट कर रहा है, वही सेम कि ये केरल से एंटर कर रहा है उस टाइम पे क्या है, समर सीजन है, मिड इंडिया में आ रहा है तो रेनी सीजन है, एंड जब वापस जा रहा है तो क्या है, विंटर सीजन है, ठीक है। देखिए इसका एक एग्जांपल है कि गर्मियों में राजस्थान के कुछ इलाकों में टेम्परेचर 50 डिग्री होता है, 50 डिग्री सेल्सियस होता है,
लेकिन उसी समय जम्मू कश्मीर का जो पहलगाम है वहां पर टेम्परेचर 20 डिग्री रहता है। क्यों? मॉनसून तो एक साथ आ रहा है, ठीक है। रीजन क्या है? टेम्परेचर प्लस फिजिकल फीचर, ठीक है। देखिए मॉनसून एक साथ पूरे इंडिया में आ रहा है, लेकिन देखो टेम्परेचर में कितना ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। यहाँ एक्सेस गर्मी है और यहाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ सर्दियों में जहाँ द्रास का तापमान, द्रास इट इज इन जम्मू कश्मीर, ठीक है, वहां पर क्या है टेम्परेचर -45 डिग्रीज तक जाता है। और उसी टाइम हम जब नीचे वाले इलाके में देखते हैं तिरुवनंतपुरम में तो 22 डिग्री हो जाता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो मानसून है वो क्या करता है, मानसून मौसम पे भी प्रभाव डालता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा बेटा इसके अलावा क्या होता है कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। जैसे हम थार का डेजर्ट देखते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट जो है इंडिया का, इस वाले पार्ट में क्या होता है, दिन का टेम्परेचर तो 50 डिग्री होता है लेकिन रात का टेम्परेचर 15 डिग्री हो जाता है। ऐसा क्यों, कोई बता सकता है? चलिए मैं ही बता देती हूँ। देखिए इसका रीजन ये है कि 50 डिग्री इसलिए होता है क्योंकि दिन में क्या होता है, सैंड पे सनलाइट पड़ रही है, उसकी वजह से क्या होता है कि सैंड गर्म होती है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा वहां पर हीट हो जाती है। लेकिन जैसे ही सनलाइट चली जाती है, मींस शाम होती है, तो क्या है रेत भी ठंडी हो जाती है, इसी वजह से क्या है 15 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन आ जाता है रात में, ठीक है। देखो एक डॉग है सैंड बर्नार्ड और हस्की, जब जनरली लोग इधर दिल्ली वाले एरिया में या फिर किसी गर्म प्लेस में उनको रखते हैं ना एज अ पेट, तो वो भी लोग क्या करते हैं अपने घर में बाथ टब में रेत रखते हैं, इसी वजह से रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका क्लाइमेटिकल कंडीशन बेटा पोलर वाला है, तो इस वजह से कि उनको क्या है ज़्यादा गर्मी नहीं लगे। तो कई लोगों को मैंने ऐसा सुना है, देखा भी है कि वो लोग क्या है उनको ठंडा रखने के लिए सैंड रखते हैं घर में, उसमें पानी डालते हैं, तो फिर वो वहाँ पर क्या है उनको गर्मी नहीं लगती, वहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। चलिए दूसरी तरफ हम केरल या अंडमान वाला जो पार्ट है, यानी कि केरल और अंडमान वाला जो पार्ट है वहां पर क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये मेडिटेरेनियन एरियाज हैं, ठीक है, मींस ये भूमध्य रेखा से लगते हुए एरियाज हैं और यहाँ पर टेम्परेचर सिमिलर रहता है, 1-2 डिग्री का फर्क होता है बाकी सिमिलर रहता है इसमें कोई। और दूसरी चीज क्या है, ये कोस्टल एरियाज भी है और हम सबको पता है कि कोस्टल एरियाज में क्या है ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है और इनका टेम्परेचर क्या है लगभग एक जैसा होता है। नेक्स्ट एक और चीज है इसमें कि जो मॉनसून है वो वर्षा के अनुसार भी बदलता है। कैसे? मॉनसून अगर मिड वाले इंडिया में हो रहा है या नीचे कोस्टल वाले एरिया में हो रहा है तो बारिश की तरह होता है, लेकिन जैसे ही बेटा वो हिमालयन एरियाज में जाता है ना तो वो कैसे होता है, बर्फ की तरह पड़ता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि जून के टाइम न्यूज आ जाती है अचानक से, जून जुलाई के टाइम केदारनाथ में बर्फ पड़ी, बद्रीनाथ में बर्फ पड़ी, है ना, कश्मीर के ऊपर वाले इलाकों में बर्फ पड़ी, जबकि हमारे जनरली तो गर्मी हो रही होती है। तो उसका रीजन यही है बेटा, जो मॉनसूनी बारिश है ना ये हर जगह एक जैसी नहीं होती। प्लेन एरियाज एंड कोस्टल एरियाज में तो ये बारिश करता है, लेकिन जो अपर पार्ट है कंट्री के यानी कि हिमालयन पार्ट, वहां पर एज अ बर्फ यानी कि हिम के रूप में ये बारिश करता है, ठीक है। सेकंड चीज, ये क्या करता है, मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है जो बहुत एक्सेस है ना। यहाँ पर आपने सुना भी होगा मासिनराम एक प्लेस है जहां पर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश होती है। दूसरी चीज है राजस्थान में सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। देखिए उसका रीजन है, मैं बताती हूँ आपको उसका रीजन क्या है। देखिए मेघालय जो है वो इस वाले पार्ट में है, ठीक है, और राजस्थान इस वाले पार्ट में है। वन सेकेंड, ये राजस्थान है, ये अरावली हिल्स है, ठीक है, और ये मेघालय वाला पार्ट है। देखिए क्या होता है मेघालय में क्यों इतनी बारिश होती है, जब ये मानसून है, ये मानसून है, ये जब इधर को जाता है तो ये क्या करता है ऊपर नहीं जा पाता, ठीक है, ऊपर नहीं जा पाता, तो जितने भी क्लाउड है वो सारी बारिश यहीं पे करते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है सबसे ज्यादा बारिश इस वाले इलाके में होती है, यहाँ से ऊपर नहीं जा पाता ये, बिकॉज ऑफ इसका ये भी रीजन हो सकता है कि यहाँ पे जो हिल्स है वो बड़े हैं, और इसका सेकेंड रीजन भी है जो आप फर्दर बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, वो मैं अभी आपको डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। दूसरी चीज देखो, ये राजस्थान है, यहाँ से जब ऊपर मानसून जा रहा है जा तो इसके बगल से रहा है, लेकिन क्या है बेटा ये अरावली हिल्स बीच में आ जाती है, इस वजह से जो ये वाला पार्ट है ना यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है, और यही रीजन है कि राजस्थान में जो है केवल 10 सेंटीमीटर तक ईयर में बारिश हो पाती है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है कि देश के जो अधिकतर हिस्से हैं उनमें कब बारिश होती है, जून से सितंबर के बीच बारिश होती है, लेकिन तमिलनाडु और तमिलनाडु में अक्टूबर एंड नवंबर में बारिश होती है। वही सेम रीजन है कि जो मानसून आता है वो नीचे केरल से होता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन जब वो वापस जाता है तमिलनाडु होता हुआ तो उस टाइम तक सर्दियां आ जाती है। और इस पॉइंट से हमें एक और चीज पता चलती है कि मानसून क्या है, मॉनसून जो है वो मौसम में भी चेंजेस कर रहा है ना, जो पहले पढ़ा था हमने, तो इस पॉइंट से हमें वो क्लियर हो गया कि मॉनसून क्या है, मौसम में भी चेंजेस करता है। अच्छा, इसके अलावा बेटा एक और चीज होती है कि ये जो है टेम्परेचर, ये तो हम पढ़ चुके हैं वैसे कि टेम्परेचर में क्या है, मॉनसून की वजह से टेम्परेचर में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। कि अगर देखो नीचे की तरफ अगर बारिश हो रही है तो हम क्या देखते हैं, मिड वाले एरिया में जब जाता हुआ मॉनसून की बात कर रही हूँ मैं, तो मिड वाले एरिया में यानी कि जो दिल्ली पड़ता है, MP पड़ता है, यहाँ पर एक्सेस ठंड होती है। जबकि हम देखते हैं कि मॉनसून अभी चल रहा है ना, अक्टूबर नवंबर का टाइम है, मॉनसून चल रहा है, जाता हुआ मॉनसून है, लेकिन उन एरियाज में क्या हो रहा है, उन एरियाज में ठंड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक तो वो कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है, और मेडिट्रेन एरियाज हैं, इस वजह से वहां पर ठंड नहीं होती है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये क्या है, टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, कौन, मॉनसून, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है कि जो उत्तरी मैदान है यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है बेटा, वो क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घटते जाते हैं। जैसे जैसे वो पूर्व से पश्चिम की तरफ आते हैं ना, तो इसका फ्लो कम होता जाता है, किसका, बारिश का फ्लो कम होता जाता है। और इससे क्या होता है, इससे लोगों के जीवन में विविधता देखने को मिलती है। अब आप बोलोगे वो कैसे मैम, क्यों, क्योंकि जहां पे ज्यादा बारिश हो रही है ऑफ कोर्स वहां का फूड वैसा होगा, वहां के घर वैसे होंगे, है ना, वो लोग वैसे रहते होंगे, उनका जनजीवन जो है वो उस तरह का होगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, जैसे हम हिमालय वाले रीजन में पढ़ते हैं कि वहां के लोग कैसे रहते हैं, है ना। इसके अलावा असम मेघालय, यहाँ पर एक्सेस बारिश होती है, तो ये बैम्बू ट्रीज होते हैं ना, जो बांस के वो होते हैं, डंडे होते हैं, उनसे घर बनाते हैं, क्योंकि एक्सेस लेवल पे बारिश होती है। तो क्या है, जो ये मॉनसून है, इससे हमें पता चलता है कि मॉनसून क्या है, लोगों की जिंदगी में भी क्या है, बहुत ज्यादा मतलब इससे, इसकी वजह से बहुत ज्यादा विभिन्नताएं देखने को मिलती है, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू क्लास, आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, किनको हाई एल्टीट्यूड्स बोलते हैं, और क्यों उन एरियाज में बर्फ गिरती है। थैंक यू क्लास।